हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फोर नियोजन प्लानिंग यूनिट फोर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, नियोजन डैश होता है ए ऑप्शन लोचपूर्ण, बी स्थाई, थर्ड सी ऑप्शन है दृढ़ एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल होता है। एंड क्वेश्चन सेकंड, नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? ए ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय एंड डी है चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रथम, ए ऑप्शन पहला कार्य होता है। थर्ड क्वेश्चन, डैश नियोजन का सार है? ए ऑप्शन संगठन, बी नियंत्रण, सी पूर्वानुमान एंड डी जो है वो है निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर फोर, नियोजन से डैश कमी आती है? ए ऑप्शन वनवे में, बी साधनों के उचित उपयोग में, सी जो है भावी अनिश्चितताओं में एंड डी है नियंत्रण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी भावी अनिश्चितताओं में। क्वेश्चन नंबर फाइव, किसी एक क्रिया को पूरा करने की विस्तृत व्याख्या करती है? ए ऑप्शन कार्यविधि, बी बजट, सी कार्यक्रम एंड डी जो है वो है पद्धति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पद्धति मेथड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से उद्देश्यों का उदाहरण कौन सा है? ए विक्रय को 5000 करोड़ तक बढ़ाना, बी ऑप्शन 1000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, सी है प्रत्यय दर को 3% से बढ़ाना एंड डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेवन, कर्मचारियों की तरक्की का आधार उनकी आयु होगी, यह बात किस नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए सेवा सेवी वर्गीय, बी विक्रय, सी मूल्य निर्धारण एंड डी है किसी से नहीं। इसका करेक्ट आंसर आता है ए सेवी वर्गीय। क्वेश्चन नंबर एट, निम्न में से आप किस प्रकार की नीतियों की सिफारिश करते हैं? ए सख्त, बी नरम, सी दोनों एंड डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन दोनों। क्वेश्चन नंबर नाइन, नियोजन के किस तत्व का पालन ना करने पर दंड की व्यवस्था की जा सकती है? ऑप्शन ए है कार्यविधि, बी है नीति, सी है नियम एंड डी है कार्यक्रम। इसका करेक्ट आंसर है सी नियम, नियम की अवहेलना करने पर दंड की व्यवस्था की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर टेन, ऋणों की एक माह तक वसूली न होने पर एक निश्चित दर से ब्याज लगेगा, यह कथन नियोजन के किस तत्वों की ओर संकेत करता है? ए ऑप्शन नीति, बी नियम, सी कार्यविधि एंड डी जो है वो है बजट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नियम। क्वेश्चन नंबर इलेवन, अपेक्षित परिणामों के गणनात्मक विवरण को क्या कहते हैं? ए नियम, बी कार्यक्रम, सी कार्यविधि एंड डी है बजट। इसका करेक्ट आंसर है डी बजट। निम्न में से कौन सा नियोजन की सीमाओं का आंतरिक तत्व नहीं है? ए है पूंजी, बी है कच्चा माल, सी है जनसंख्या में वृद्धि एंड डी है मशीन। इसका करेक्ट आंसर है सी जनसंख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, नियोजन में किन साधनों का अधिक ध्यान रखा जाता है? ए सीमित, बी असीमित, सी दोनों एंड डी किसी का नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सीमित। क्वेश्चन नंबर 14, नियोजन की आवश्यकता किस प्रबंधकीय स्तर पर है? ए उच्च स्तर, बी मध्य स्तर, सी निम्न स्तर एंड डी सभी स्तरों पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15, नियोजन प्रक्रिया को कब अनदेखा किया जा सकता है? ए सामान्य स्थिति में, बी आपात स्थिति में, सी उपरोक्त दोनों स्थितियों में, डी किसी स्थिति में नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपात स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न विभागों का नियोजन डैश होता है? इसका ऑप्शन ए है स्वतंत्र, बी व्यक्तिगत, सी परस्पर आश्रित एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परस्पर आश्रित। कारखाने में धूम्रपान का वर्जित होना नियोजन के किस तत्व का उदाहरण है? ए नीति, बी नियम, सी कार्यविधि एंड डी जो है वो है पद्धति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नियम। नियम डैश विवरण होते हैं ऑप्शन ए विशेष, बी सामान्य, सी असामान्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विशेष विवरण होते हैं।
नियोजन का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? ऑप्शन ए है बजट, बी है उद्देश्य, सी है कार्यकाल एंड डी है नियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उद्देश्य। निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है नियम, बी है कार्यक्रम, सी है उद्देश्य एंड डी है नियुक्तिकरण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नियुक्तिकरण, यह इसका तत्व नहीं नियोजन का। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी नियम की विशेषता नहीं है? एक, नियम सख्त होते हैं, बी नियम का उल्लंघन दंडनीय होता है, सी नियम का पालन ऐच्छिक होता है एंड डी नियम एक प्रकार का आदेश होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नियम का पालन ऐच्छिक होता है, ये विशेषता नहीं है नियम की। निम्न में से कौन सा तत्व नियोजन प्रक्रिया का कदम नहीं है? ए पूर्वानुमान लगाना, बी उद्देश्य निर्धारित करना, सी उद्देश्य का मूल्यांकन एंड डी कर्मचारियों को काम पर लगाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्मचारियों को काम पर लगाना। नियोजन एक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए सामयिक, बी निरंतर, सी आकस्मिक, डी वार्षिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24, बजट की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन बजट भ्रम पैदा करता है, बी बजट नियोजन का एक तत्व है, सी बजट का संबंध नियोजन एवं नियंत्रण से है एंड डी बजट उद्देश्य परक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, बजट भ्रम पैदा करता है, यह बजट की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, नियोजन डैश की वृद्धि में सहायक है। ए लागत, बी हानि, सी कार्यकुशलता एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, ये कार्यकुशलता में वृद्धि में सहायक करता है। क्वेश्चन नंबर 26, नीतियां प्रायः डैश प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है। ए ऑप्शन उच्च स्तरीय, बी मध्य स्तरीय, सी निम्न स्तरीय एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसको नियंत्रण का आधार माना जाता है? ए धन, बी स्वामी, सी नियोजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नियोजन, नियोजन को आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का है, डैश प्रारंभ, बी अंत, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर हो गया 29, एक अच्छी योजना होती है। ए ऑप्शन दृढ़, बी खर्चीली, सी लोचपूर्ण एंड डी समय लेने वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी लोचपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 30, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वृहद योजना जानी जाती है। ऑप्शन ए नीति के रूप में, बी कार्यक्रम के रूप में, सी उद्देश्य के रूप में एंड डी रणनीति के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रणनीति के रूप में। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।